हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.3। ये हमारे न्यू एडिशन में 9.3 है, लेकिन हमारा जो ओल्ड एडिशन है उसमें हमारी एक्सरसाइज थी 11.4। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल ट्रायंग। यहाँ पे हमें एक सिलेंड्रिकल ट्रायंग दिया गया है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। किस सिचुएशन में आपको इसके अंदर सरफेस एरिया निकालना होगा और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको वॉल्यूम निकालना होगा। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब इसके अंदर कितना पानी जो है रखा जा सकता है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इस केस में हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो इस केस में हम, इस सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर टू प्लास्टर इट। अगर हम इसको प्लास्टर करना पूरा करेंगे ऊपर नीचे सारी साइडों से, तो इसके लिए हमें जो है इसका सरफेस एरिया जो है वो निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसमें कितना सीमेंट ऑफ बैग्स जो है वो लगेंगे। टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंक, यानी कि जो स्मॉलर टैंक हैं, उनका जो हमें नंबर फाइंड बताना है कि इसके अंदर अगर हमें पानी भरना है तो जो छोटे वाले टैंक है वो कितने लगेंगे। तो उसमें भी हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, छोटे टैंक का जो वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो इस केस में भी, इस सिचुएशन में भी वॉल्यूम ही हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ए। यहाँ पे हमें दे रखा है सिलेंडर ए दे रखा है, ये इसका जो हमें डायमीटर दे रखा है कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अब जो बी है, इज 14 सेंटीमीटर जो है हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है और हाइट हमें इसकी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर एंड वेरीफाई इट बाय द फाइंडिंग द वॉल्यूम बोथ ऑफ द सिलेंडर। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम एंड ऑल्सो हैज अ ग्रेटर सर्फेस एरिया। पहले तो हमें इन दोनों का डायमीटर और हाइट दे रखी है। उन्होंने हमें बोला है कि बिना आपको कोई कैलकुलेशन करे बताना है कि दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है। ठीक है, और आपने जब आपने बता देंगे, जैसे कि मैं बताती हूँ कि इसका बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, तो फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जो हमने इसमें बोला है वो सही है कि नहीं। वेरीफाइड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वो, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और देखेंगे किसका वॉल्यूम ज्यादा है। चेक वेदर, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका विद ग्रेटर वॉल्यूम निकालने के साथ साथ हमें इसका सरफेस एरिया भी है जो दोनों का निकालना पड़ेगा और बताना है कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों का वॉल्यूम भी निकालना है और बताना है किसका वॉल्यूम ज्यादा है, और दोनों का सरफेस एरिया भी निकालना और बताना है किसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे बताया सिलेंडर बी हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम, इसका जो है हमने डायमीटर ज्यादा देखा, तो हमने बोला कि इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, यानी कि जो पहले सिलेंडर ए है, पहले हम इसका वॉल्यूम जो है वो निकाल लेंगे, फिर सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह जो आएगा 22/7। आर हमारा यहाँ पे कितना है, तो आर हमारा हमें यहाँ पे डायमीटर क्या दे रखा है, 7, तो 7 का हाफ हो जाएगा 7/2, हमारा रेडियस हो जाएगा तो आर स्क्वायर है, तो 7/2 हम 2 टाइम लिखेंगे। हाइट हमें 14 दे रखी है, तो हाइट हम यहाँ पे 14 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने ये हमारा डायमीटर 7 था, तो रेडियस इसका हाफ हो गया 7/2, तो 7 से 7 यहाँ पे हमारा कट जाएगा। उसके बाद यहां से आप इसको जो है 2 से 11, 2 1 जा 2, और ये 11 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से कट जाएगा। उसके बाद ये 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 7 और 7, तीनों को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए आ गया 539 cm³ आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पाई, यहाँ पे जो हमें हमारा जो रेडियस होगा 14 का हाफ होगा हमारा कितना, 7 होगा। जैसे कि हमारा डायमीटर यहाँ पे दे रखा है 14, उसका हाफ रेडियस अपॉन 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा है 7, आर स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे रेडियस, इनटू हाइट, हाइट हमें यहाँ पे 7 दे रखी है ऊपर, तो 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 आ जाएगा, 7 × 7 49 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1078 cm³ आ गया। यानी कि इसका जो क्यूब वॉल्यूम आया है वो आया 539,
और इसका जो हमारा वॉल्यूम आया है वो आया 1078। तो हमने ऊपर बताया ही था कि जो सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, और यहाँ पे हमने वेरीफाई किया तो हमारा जो सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा ही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी इन्होंने हमें बोला है। तो पहले सिलेंडर ए के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया हमारा 2πr ब्रैकेट में r प्लस हमारा क्या आता है h आता है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। r जो है हमारा पहले वाले ए वाले का क्या था 7/2, क्योंकि ये 7 है, 7 का हाफ 7/2 हो गया, तो 7/2 लिख दिया। r हमारा 7/2 प्लस h हमारा है 14। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 22 बचेगा, और यहां पर बचेगा हमारा 7 + 14 2। 14 के नीचे हम 1 लगाएंगे, एलसीएम लेके जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7 + 28 कैसे आया, दोनों का एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 × 1 = 2, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 × 1 = 2, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा इसमें 2 आ गया, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले डिजिट से हम क्या करते हैं, नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, 2 को जब 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 22 और 22 दोनों को हमने प्लस किया, 7 + 28 = 35 आ गया, 2 नीचे आ गया, दोनों को कट कर दिया 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 तो 11 आ गया, 11 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 385 cm². तो हमारा जो सिलेंडर ए का जो हमारा जो सरफेस एरिया निकला है 385 cm². ऐसे जब बी का निकालेंगे सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारा 2πr r + h, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और हमारा जो बी का जो रेडियस है वो 14 था तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7 है, तो इसलिए हमने रेडियस की जगह पे क्या लिखा 7, यहाँ पे रेडियस 7 और हाइट भी 7 है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 44, दोनों को प्लस किया 14, दोनों को मल्टीप्लाई किया 616 cm² आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया बी का निकल आया। हमारा सरफेस एरिया ए का क्या है 385, बी का क्या है 616 cm, तो हैंस सिलेंडर बी विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी कि बी का जो है वॉल्यूम भी ज्यादा है और सरफेस एरिया भी बी सिलेंडर का ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 cm² एंड वॉल्यूम इज 900 cm³। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की जिसका हमें जो बेस एरिया 180 cm² दे रखा है और वॉल्यूम भी हमें 900 cm³ दे रखा है, तो हमें हाइट जो है इसमें फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें जो 900 cm³ दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर जो हमें हाइट नहीं दे रखी और हमें इसका जो है क्यूबॉइड का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां पर जो है हमें एल इंटू बी जो है वो हमने 180 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे हमें क्या दे रखा था, बेस एरिया, जो बेस एरिया ना वो हमें 180 cm² दे रखा है, तो बेस एरिया में लेंथ और हमारी क्या आ जाती है, ब्रेथ आ जाती है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारी बेस एरिया होती है, इट मीन्स हमें जो लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है वो 180 cm² में दे रखी है, हाइट हमें नहीं दे रखी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लिख देंगे 180, हाइट की जगह h और 900, तो 180 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, h लिखेंगे 900/180, 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 × 5 = 90, तो हाइट जो है हमारी वो 5 cm आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल था, छोटा सा था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज डायमेंशन 60, 54 and 30 cm, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 cm कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। अब देखो एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है, वो पूछ रहे हैं कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितने छोटे छोटे क्यूब जो हैं जिसकी साइड 6 cm है वो उसके अंदर आ जाएंगे, हमें इसमें ये बताना है, तो पहले हमें क्यूबॉइड का जो है निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्यूब का निकाल के बताएंगे कि कितना जो है इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स आ सकते हैं। तो पहले हम जो है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, 60, 54 × 30 हमें दे रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो हमारा आ जाएगा 97,200 cm³ आ गया, ये हमारे इस पूरे वॉल्यूम का हमारे क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका निकाल लेंगे क्यूब का, तो क्यूब हमें वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, पहले हम एक ही का निकालेंगे ना, इसी का हमें बताने कि इतने छोटे छोटे क्यूब इसमें कितने आ सकते हैं, तो जो क्यूब निकालने का वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है साइड, जो साइड क्यूब होता है
तो यहाँ पे हमें साइड 6 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका क्यूब हो गया, यानी कि 6 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 × 6 × 6, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमारा क्यूबॉइड का तो ये वॉल्यूम निकला है और क्यूब का हमारा ये वॉल्यूम निकला है, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे इसके लिए, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब है, दोनों को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 2 से कट करना आप इसको शुरू कीजिए, तो अब दोनों को 2 से कट करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 2 को हम कट करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2, 0 दोनों डिजिट को साथ लेंगे तो 2 0 लगाएंगे और 2 × 8 = 16 आ जाएगा। ऐसे अब इसको 2 से ऊपर से करोगे, 2 × 4 = 8 आ जाएगा, फिर इधर 1 चला जाएगा 72 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 0 ऊपर आ जाएंगे। फिर से अब इसको 2 से करना, ऐसे करते करते आपका जो है आ जाएगा 450, यानी कि 2 से कट होगा ऐसा, तो आपका आ जाएगा 450, यानी कि इस क्यूबॉइड के अंदर जो है 450 क्यूब्स आएंगे, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। हमें यहाँ पे भी सिलेंडर की हाइट निकालनी है, वॉल्यूम हमें दे रखा है एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। जो डायमीटर का बेस दे रखा है वो हमें 140 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम निकाल लेंगे, 140 का हाफ कर लेंगे 270 सेंटीमीटर। और हमें जो है ना ये किस में चाहिए, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है मीटर में है, तो हमें हमारा जो डायमीटर है वो भी हमें किस में करना है कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 है तो 10 नीचे है, तो ऊपर 1 डिजिट के बाद हमारा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.7 मीटर हो जाएगा ये। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या निकालना था, इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हम जो इसका फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच का जो है वो फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम का ही हमने जो है यहाँ पे सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है उसी वॉल्यूम फॉर्मूले से ही हम इसकी हाइट निकालेंगे, तो वही वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 1.54, पाई की जगह पाई आर हमारा 0.7 आया था, स्क्वायर में तो 2 टाइम लिखेंगे, हाइट हमें अभी फाइंड करनी है इक्वल 1.54, हाइट निकालनी तो इधर आ जाएगी और हमारा जो है ये जो है हमारा 1.54 हमारा इधर आ जाएगा और 7 इसके साथ देखो यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, जो ऊपर वाले सारे हैं वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, क्योंकि जो जब हम इधर से इधर या इधर से इधर लेके जाते हैं तो सारी जो प्लेस हैं जगहें हैं वो सबकी बदल जाती हैं, तो इसलिए 154 हमारा इधर आ जाएगा और 7 इसके साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सारे ये इसके ये हमारे डिवाइड में नीचे आ जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे देखो आप, यहां से ये पॉइंट हटेगा, इसके बाद 2 है तो यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। अब आ गया 154 × 7 × 10, अभी 10 कहां से आया, यहां से भी हमने पॉइंट हटाया तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 आ गया, फिर यहां से हटाया तो 1 डिजिट के बाद है तो हमारा फिर से जो है यहाँ पे 10 आ गया, तो 154 × 7 × 10 × 10 = 22, अब ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया और ये हमारा 100 आ गया, ठीक है। तो जितनी भी जीरो आपस में कर सकते कार, तो इस जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से हमारी ये जीरो कट जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा और इससे जो है हम काटेंगे 7 से 7 को, इससे हम कट करेंगे तो हमारा जाएगा ये 7 से पहले हमारा जाएगा यहाँ पर 7 से पहले हम इसको यहां से कट करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से हम इसको कट करते हैं तो हमारा ये जाएगा 11 से भी जा सकता है 2 से भी जा सकता है, अगर हम इसको करते हैं 2 × 2 = 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा 2 × 7 = 14, फिर से 2 × 7 = 14 हो जाएगा, ठीक है, फिर 11 × 1 = 11 और 11 × 7 = 77। अब ये वाला 7 और ये 7 दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या, सारा ही कट गया तो बचा क्या, सिर्फ 1, तो हाइट क्या आ गई 1, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मैं आपको नीचे दोबारा करके दिखा देती हूँ, 7 × 10 × 10 अपॉन में 22 × 7 × 7 × 100, ये था हमारे पास, ये जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, ये 7 इससे कट गया, ये हमारा 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2 2 × 7 = 14 1 का चला गया 2 × 7 = 14 11 × 1 = 11 11 × 7 = 77 ये 7 से ये 7 कट गया, बचे क्या 1,
तो 1 जो है वो इसकी हाइट आ गई सिलेंडर की। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। एक मिल्क टैंक है सिलेंडर जिसका रेडियस यहाँ पे 1.5 मीटर और उसकी लेंथ हमें 7 मीटर दे रखी है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। अब इसके अंदर कितना जो है लीटर्स में बताना है, कितना दूध आ सकता है वो हमें बताने की वॉल्यूम हो गया, तो कितनी क्वांटिटी में जो है हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे फिर उसको लीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस हमें दे रखा है 1.5 मीटर, हाइट हमें 7 दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा के। पाई की जगह पाई, आर हमें दे रखा है 1.5, हाइट हमें 7 दे रखी है, तो ये 7 से 7 जो है यहाँ पे कट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आ जाएगा। अब आ गया 22 × 2.25। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 49.5 मीटर क्यूब में जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 49.5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हमारे देखो ये 3 0 है ना, यहाँ पे इसके साथ 3 ही आएंगे, जैसे कि ये देखो 4 9 5 1 2 3, तो हमारा 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो हमने यहाँ पे लगाया, तो पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा लीटर में चेंज हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर दिस लीटर इन द टैंक, तो हमारे लीटर में जो इतनी क्वांटिटी जो है वो मिल्क उसमें आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर जो क्यूब है अगर उसका हर एक एज यानी कि किनारा जो उसकी साइड्स होती है, एजेस क्या होती है, साइड्स होती है, जो अगर उसकी हर एक साइड डबल है तो हाउ मेनी टाइम विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका जो क्यूब का जो सरफेस एरिया वो कितना बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, अगर हर एक क्यूब की जो एजेस हैं वो डबल हैं तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी कितने टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर वो डबल हो जाता है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो हमें एज ही नहीं पता कितना है, साइड ही हमें नहीं पता, तो उस साइड को ही हम एज को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, लेट द एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब बी एक्स, कि जो ओरिजिनल क्यूब है उसका जो एज है वो एक्स है, और सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, पहले तो हम ओरिजिनल का निकालेंगे ना, तभी तो हम उसको बाद में डबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, ठीक है, तो अगर वो डबल होता है तो उसका जो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है कितना इंक्रीज होता है, लेकिन पहले हमें ओरिजिनल निकालना पड़ेगा तभी हम बताएंगे जब डबल होने पे वो कितना इंक्रीज होगा। तो पहले ओरिजिनल क्यूब का जो है हमने एज फाइंड मतलब लेट कर ली, मान लिया एक्स है, तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या होगा, 6x² स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है जो भी होता है 6x² हो जाएगा उस ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब जो है वो क्या है हमारा x³। ठीक है, वॉल्यूम और ओरिजिनल जो हमारा क्यूब है वो है हमारा x³। यहां पर हमने जो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 × साइड² ये इसका फॉर्मूला होता है, तो 6 जो हमारा फॉर्मूले में है, साइड हमने यहाँ पे क्या मानी हुई है, एक्स मानी हुई है, और हमारा क्यूब, इसलिए हमने लिखा सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब 6x², और वॉल्यूम और ओरिजिनल क्यूब क्या होता है हमारा क्यूब में होता है यानी कि साइड क्यूब, तो साइड हमारी यहाँ पे एक्स है तो इसलिए इसका क्यूब। यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ पे ओरिजिनल का निकाल, अब हम जो हमारा न्यू क्यूब है जो उसका हमने डबल करना है, तो एज ऑफ न्यू क्यूब एक्स का डबल 2x हो गया, 6x² का हमारा जो है इसको भी हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा 6, जो हमारी यहाँ पे इसकी एज है उसका 2x³, यानी कि अब हमारी साइड क्या है यहाँ पर 2x है, पहले हमारी साइड क्या थी ओरिजिनल की x थी तो हमने 6x³ किया, अब हमारी न्यू वाले क्यूब की साइड क्या है 2x है, तो क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया 6 (2x³) हो जाएगा, ठीक सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब नहीं स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 × 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x² हमारा ये हो जाएगा। ठीक है,
देखो हम 2 को जब x 2x इंटू 2x करते हैं तो 2x मल्टीप्लाई 2x तो कितना आ जाएगा, 2 जब 4 होता है, ये हमारा x जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो ये इसकी पावर्स 1 है, इसकी 1 है तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर 2 पावर हो जाएगी, वही हमने यहाँ लिखी है। अब हमने 4 को 6 से किया 24x स्क्वायर आ गया। ये तो हमारा जो सरफेस एरिया न्यू क्यूब है वो निकल आया। अब द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम ओरिजिनल क्यूब, यानी कि जो ओरिजिनल क्यूब था उससे 4 टाइम ज्यादा जो है वो न्यू क्यूब हो जाएगा। कैसे हमें पता चला कि 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए जो हमारा ओरिजिनल क्यूब था और जो न्यू क्यूब का हमारा जो सरफेस एरिया निकला है उसको हम क्या करेंगे, आपस में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अब हमारा जो न्यू क्यूब का निकला है वो 24x स्क्वायर निकला है और जो ओरिजिनल क्यूब का था वो हमारा था 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा जो है ये कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, तो 4 टाइम्स ज्यादा है हमारा ये इससे। द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, इसको जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक बार फिर देख लो, जो हमारा ओरिजिनल क्यूब था हमने उसको x माना था और टोटल सरफेस एरिया जो ओरिजिनल क्यूब का आया था जो उसका फॉर्मूला है 6 × साइड स्क्वायर, तो हमारी साइड थी x, इसने हमने लिख दिया 6x स्क्वायर, और वॉल्यूम और ओरिजिनल क्यूब है हमारा एक्स क्यूब जो इसका फॉर्मूला है, साइड ऐसे है तो इसलिए एक्स क्यूब, एज ऑफ न्यू क्यूब, अब हमने न्यू क्यूब इसका डबल करना था तो एक्स का डबल हो गया हमारा 2x। अब सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब का क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला है, अब हमारा 6 की जगह 6 है, अब हमारी जो साइड है वो 2x है, इसलिए 2x लिख दिया, 2 को 2 टाइम किया तो 4x स्क्वायर आ गया, 4 को 6 से किया 24x स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल क्यूब और न्यू क्यूब जो हमारा निकला था दोनों को डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि जो न्यू वाला क्यूब है वो 4 टाइम जो है ओरिजिनल क्यूब से, वो 4 टाइम जो है क्या है उसका जो सरफेस एरिया है वो न्यू क्यूब का जो है वो ओरिजिनल क्यूब से 4 टाइम बड़ा है। इसी तरह से वॉल्यूम हम निकालेंगे अब न्यू क्यूब का, पहले वाले का वॉल्यूम क्या है हमारा ओरिजिनल वाले का एक्स क्यूब, अब हमने क्या करना, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 2x क्यूब, क्योंकि डबल है 2x क्यूब हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा 8x, तीनों देखो तीनों ये हमारे ये x × x × x कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3 हो जाएगा, तो 8x क्यूब हो जाएगा हमारा। अब ये वॉल्यूम जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है ओरिजिनल क्यूब से, द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल बी 8 times द ओरिजिनल क्यूब। कैसे पता चला, हमारा ओरिजिनल वाला हमारा क्या था 8x क्यूब था और ओरिजिनल हमारा जो न्यू वाला है वो है 8x क्यूब और ओरिजिनल वाला क्या था हमारा एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा बचेगा 8, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल बी 8 times ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, वॉटर इज पोरिंग इंटू आ क्यूबॉडिकल रिवर्सिबल एट द रेट 60 liters per minute, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल इज 108 m³, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल बी टेक टू फिल द रिवर्सिबल। अब इसमें हमें बताना है टाइम निकालना है कि कितने घंटे लगेंगे इसको भरने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि जो एक हमारा क्यूबॉडिकल रिवर्सिबल है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक कुंड है, ये कुंड बना हुआ है, इस कुंड के अंदर जो है 60 लीटर जो है मिनट की दर से क्या लिखा है 60 है, वाटर इज पोरिंग इन द क्यूबॉडिकल रिवर्स एट द रेट ऑफ 60 liters per minute, एक मिनट में कितना पानी भरता है इसमें 60 liters पानी भर जाता है, तो हमें इसका पूरे का वॉल्यूम जो है, इफ द वॉल्यूम और रिवर्सिबल, इसका अगर हमें वॉल्यूम 108 m³ दे रखा है, यानी कि इसके अंदर पानी जो है 108 m जो यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो फाइंड करना है कि इतना पानी भरने में से कितने घंटे लगेंगे, एक मिनट में कितना भर रहा है 60 liters भर रहा है, तो उसको पूरे को भरने में कितना टाइम जो है वो लगेगा हमें इसमें वो इसमें बताना है। तो इसके लिए वाटर इज रेट ऑफ वाटर पोरिंग 60 liters per minute आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल क्या है जो हमें दे रखा है 108 m³ दे रखा है, तो 108 को हम 1000 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारा मीटर में है, लेकिन हमें किस में निकालना है लीटर में, क्योंकि पानी जो है वो लीटर में भर रहा है इसके अंदर,
और हमें इन्होंने वॉल्यूम किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो हमें उसको पहले लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 100 को मीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा अब लीटर में चेंज हो गया, जितनी जीरो थी वो हमने इसके साथ लगा दी, तो अब हमारा ये वॉल्यूम हो गया, हमारा ये लीटर में आ गया। अब कितना टाइम जो इसमें लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल को जो है इसमें करने वॉल्यूम और रिवर्सिबल रेट ऑफ वाटर पोरिंग, यानी जो हमारा वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल है और जो रेट ऑफ पोरिंग वाटर है, ये जो 60 लीटर है पर मिनट वाला, दोनों को हम क्या करेंगे आपस में डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को डिवाइड किया, उसको ऊपर लिख लिया, इसको नीचे, 10 से 10 कट हो गई। उसके बाद आप इसको 2 से या 6 से भी सीधा 6 से कट कर दोगे तो आपका 800 यहाँ पे, सॉरी 1800 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मिनट में था, तो 1800 मिनट्स ये हमारा इसमें आ गया, लेकिन उन्होंने हमें किसमें पूछा है, आवर्स में पूछा है, तो हमें मिनट को अब आवर में चेंज करने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम 1800 अपॉन में 60 करेंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, फिर से हम इसको 6 से कट करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 आवर्स जो हैं वो इसको लगेंगे इस टैंक को फिल होने के लिए। कितना पानी भरा जाएगा इसमें, इसमें जो है इतना पानी जो है हम इसमें भरेंगे, ठीक है। ये मीटर को हमने लीटर में चेंज किया था और 30 घंटे में, यानी कि 30 आवर्स के अंदर इतना पानी इसमें भरा जाएगा। तो ये हो गया हमारा 11.4 कम्प्लीट, और पूरे का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सभी वीडियो जो हमारे चैनल में अपलोड हैं, जाएं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।